लखपति दीदी बनने का सौभाग्य मिला। आने वाले दिनों में सभी महिलाओं को लखपति दीदी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मोदी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। उक्त बातें सांसद जगदम्बिका पाल ने महिला सम्मान समारोह में मधवापुर में कहा। जगदम्बिका पाल ने कहा, मोदी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान बढ़ा। जो महिलाएं घर के दहलीज से बाहर कदम नहीं रख पाती थी, आज वह समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिलाओं के नाम से आवास, गैस सिलेंडर, बैंक खाता, राशन कार्ड महिलाओं को देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। आने वाले दिनों में सभी महिलाएं विकसित होंगी। सम्मान समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा, संसद में मोदी ने 35% आरक्षण पास कर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। कार्यक्रम का आयोजन आशुतोष उपाध्याय ने किया। लोकसभा प्रभारी राम कुमार कुंवर, राजेंद्र पांडे ने सभी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राम भरोस चौहान ने सांसद सहित सभी आए अंगरक्षकों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन संपूर्ण आनंद ने किया। मौके पर राजधार पांडे, बजरंगी रेवत चौहान, आशुतोष पांडे, दुर्गेश पांडे, सर्वेश पांडे, रूपेश उपाध्याय, विनय, दिनेश, ब्रिजेश, मनीष, महेंद्र, भूपेश, लालू, ब्रिजभूषण, बेचू, निषाद, गुड्डू वर्मा, कमलेश उपाध्याय, रूपेश उपाध्याय, उदयभान चौबे, राजधर पांडे, अमित उपाध्याय, बजरंगी विशंबर नाथ, नीरज जायसवाल, दिनेश उपाध्याय बाबा उपस्थित रहे। ये आशुतोष उपाध्याय जी हमारे मधवापुर के हैं, जो प्राथमिक शिक्षक संघ के मंत्री भी हैं। कहीं ना कहीं ये प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली है कि जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से पहली बार महिलाओं की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए बातें उठाई। चाहे घर के अंदर टॉयलेट न हो, महिलाओं को जिस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, घरों में चूल्हा फूकने के लिए 400 सिगरेट का धुआं देती थी तो उनको उज्ज्वला का गैस का चूल्हा दिया, या प्रधानमंत्री जनधन के खाते हों, या लाल किले से सैनिटरी पैड तक की बातें उठाई। अगर पहली बार महिलाओं की बुनियादी समस्याओं के समाधान को करके और उनको आवास से लेकर के जनधन खाते से लेकर के महिला सशक्तिकरण की दिशा में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का अगर उन्होंने संकल्प लिया है तो ये उसी दिशा का कार्यक्रम है मधुवापुर में, कि उन महिलाओं के अंदर जो प्रतिभा है, हुनर है, उससे अपने को निखारें और अपने पैरों पे खड़े होकर के कुछ न कुछ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो सरकार की संवेदनाएँ हैं, योजनाएँ हैं, उसका लाभ लेकर के ड्रोन दीदी बने, उस ड्रोन से घरों में डिलीवरी करें, ड्रोन से दवाई घर तक पहुंचाएं, ड्रोन से दवाओं का पैथोलॉजी तक टेस्ट हो। ये क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा, पूरी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हैं कि भारत की महिलाएं जो घर के दहलीज तक केवल महदूद थी, आज उनको मोदी ने बराबरी में खड़ा कर दिया है। और इसीलिए 2047 से न केवल भारत विकसित होगा, दुनिया का सुपर पावर होगा, नंबर 1 की खुदा होगा। भारतीय जनता पार्टी समाज में काम करती है, समाज के निचले पैदान पर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव लड़ती है। और इस प्रकार से किसी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई उम्मीदवार नहीं है तो खड़ा कहाँ से करेंगे। और हमारे जो प्रत्याशी हैं ये जिले के नेता नहीं हैं, प्रदेश के नेता नहीं हैं, ये राष्ट्र के नेता हैं। इनके बारे में सब जानते हैं कि इनसे वाला कोई नेता नहीं, इसके लड़े कैसे हम। इसके पास किसी पास कोई प्रत्याशी है नहीं, परेशान हैं लोग। और प्रत्याशी का कोई भी आ जाए, हम लोग ये अपना मान के चल रहे हैं कि इस बार हम लोग लोकसभा का चुनाव 4 लाख से अधिक लोकसभा जीतेंगे।